हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मार्केट जाने के लिए। और ऐसे बेड के नीचे ना ये जो बैग्स होते हैं वो मैं रखती हूँ, क्या ना अभी तो हर जगह पॉलीथीन बैग बैन हो गया है, तो बैग ये जो आता है ना वो ज़रूरी रहता है, पर्स में होना चाहिए। प्लीज अभी फिर से जा रहे हैं बाहर और रूपा आई हुई है, मिली रूपा से, मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी बुआ की लड़की है। और अभी फिर से मैं जा रही हूँ बाहर, विशाल और रूपा है ना, वो उसका एडमिशन हुआ है कहाँ पे? बनस्थली में एडमिशन हुआ है, राजस्थान में, तो एजुकेशन के लिए वहीं जा रही है। और कुछ चीज़ें इसे लेनी है, जैसे ड्रेस हो गया, शॉर्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे। वैसे लेना क्या क्या है अभी? बस जींस, बर्थडे की, बर्थडे भी आ रहा है 7th ऑफ अगस्त को, तो उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी अगर हुआ पार्टी शार्टी तो, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। तो अभी जा रही हूँ विशाल, तो इसको दिला दूँगी। और आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा ज्योति आउटिंग का ही वीडियो डालती है या जब मार्केटिंग करती है तब भी वीडियो डालती है, तो गाइज ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ पे हूँ ना मम्मी के घर पे, तो कोशिश करती हूँ मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मैं यहीं पे कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जीतू को मम्मी रख लेती है या भाभी के पास वो रह जाता है। जैसे कि टेलर का काम है, ब्लाउज बनवाना है, सूट बनवाना है, साड़ी का काम है, या छोटा मोटा डॉक्टर के पास जाना है, और तो ये सारी जितना मैक्सिमम काम है मैं कोशिश करती हूँ यही कर लूँ, तो इस वजह से क्या होता है आउटिंग का ही ब्लॉग बन जाता है। और बहुत सारे व्यूअर्स ये भी आप लोग सोचते होंगे कि बहुत खर्च करती हूँ ये वो, तो जहाँ पर ज़रूरत है वो तो करना पड़ेगा ना गाइस। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स जो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देख रहे होंगे वो लोग जानते होंगे कि मैं हार्डली 10-15 दिन के लिए मुजफ्फरपुर आई थी, मेरे फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट करवाना था इसलिए, और फिर हमें नासिक जाना था, तो उस चक्कर में मैं बहुत लिमिटेड सामान लेके आई हूँ, मेरा भी, जीतू का भी, रोहित तो चले गए हैं, तो मेरे पास ड्रेसेस भी बहुत कम है। और यहाँ इतनी गर्मी है कि ह्यूमिडिटी की वजह से बाहर अगर एक दिन कपड़ा पहनो ना तो फिर वो मतलब ऐसा हो गया कि मैं 4 कुर्ते और 1 लेगिंग्स लेके आई थी, 1 साड़ी, 2-3 ब्लाउज़ और 2-3 घर पे पहनने वाले कपड़े, दैट्स इनफ। तो उस चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पे भी निकलना होता है तो दिक्कत में पड़ जाती हूँ, तो उस चक्कर में फिर मैंने सूट वगैरह भी 2 लिया है, बनवाया है, तो हो जाता है ऐसे छोटा मोटा चीज़। अभी मैं जा रही हूँ विशाल में रूपा के साथ में, तो मैं सोची जीतू के लिए ना फुल पैंट और टी शर्ट ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, मैं कपड़े लाई नहीं हूँ ना उसके, फुल कपड़े नहीं लाई हूँ, तो अब ठंड है, बरसात का टाइम है, तो बच्चों को बरसाती हवा लग जाता है तो बीमार भी पड़ सकते हैं, तो वही है। तो चलिए वहाँ जा कर चलते हैं विशाल की तरफ। और गई मैं स्लीपर ये वाला पहन के निकल गई, तो अभी रूपा बोली है कि दीदी चेंज कर लीजिए, तो मैं ये वाला पहनने जा रही हूँ। ये 200 रुपये का मैंने स्ट्रीट मार्केट से लिया था नासिक में, प्लास्टिक का है। हाँ जूती पहन ले, क्या नहीं अच्छा लग रहा है? अरे यार दीदी सूट इतना और नहीं अच्छा लग रहा है, सही में नहीं अच्छा लग रहा है, सही में। और पानी में फिर खराब हो जाएगा ना, बहुत होगा प्रॉब्लम है, ड्रेस और सैंडल मैच नहीं हो रहा है, और बाहर लगा है पानी बारिश की वजह से, इसलिए मैं प्लास्टिक वाला पहन रही हूँ, ये वाला पहन, तो रूपा बोल रही अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो चेंज कर लिया जाए, ठीक है। पहन रही हूँ सैंडल, ये मेट्रो का है, अब खराब हो जाएगा बारिश में। ड्राइविंग करने में आसानी होगी, अब देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हटाया लगाया स्कूटी चलाने ड्राइव करने में।
विशाल जाने का जो ये रास्ता है ना, ये केंद्रीय विद्यालय होकर जाता है, तो यहाँ ना पानी लगा हुआ है और गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है, रोड टूटा हुआ है, तो मैं थोड़ा हेजिटेट करने लगी जाने के लिए, क्योंकि ऑटो डूब जा रहा था तो स्कूटी का पता नहीं क्या होता, इसलिए मैं रिटर्न हो गई और मैं यहाँ पे पहुँच गई। ये है भाभी की मम्मी का घर, और भाभी की सिस्टर जो है ना, छोटी सिस्टर अदिति, उसका तबीयत ख़राब है, तो मुझे मिलने जाना था, तो चलो तभी हम लोग हैं गनीपुर में, ज्ञानीपुर 7 अगस्त को मेरा बर्थडे। हेलो, इनको तो पहचानते होंगे आप लोग गाइस, ये है भाभी के छोटे वाले भाई। जा रहे हम लोग अभी समोसे खाने, गरम गरम एकदम, आप भी खा लीजिए हमारे साथ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ये बिहार के समोसे नहीं खाए तो क्या खाए, है ना। और इनको भी पहचानते होंगे, ये आदिति सांडल है, भाभी की छोटी सिस्टर। जा रहे हैं अभी विशाल जाने का मूड था नहीं, बट रूपा बोली कि नहीं चलेंगे, उसका बर्थडे है तो ड्रेस का कपड़ा नहीं लेना हो पाएगा ना, फिर तो कल चली जाएगी, तो अभी जाना ही पड़ेगा, देखते हैं, जाम नहीं होगा तो जाएंगे, नहीं तो घर जाएंगे वापस। और सुचिता की तबीयत, मतलब अदिति सांडेले की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वही मैं आई, सोची कि चलो मिल लेती हूँ, थोड़ा हलचल ले लेती हूँ, कैसी और इसी बहाने समोसा खाने को मिल गया। हेलो हैप्पी, बाय बाय। इस लड़की की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है विशाल, इस लड़की की वजह से। एक्चुअली रूपा का एडमिशन हुआ है बनस्थली में, हुआ नहीं, होने वाला है, तो उसी पर्पज़ से अब वो जाएगी पढ़ाई करने के लिए नर्सिंग का, तो कुछ कपड़े वगैरह लेकर जाएगी साथ में पहनने के लिए। वैसे तो वहाँ यूनिफॉर्म है बनस्थली का, बट फिर भी कुछ कपड़े तो चाहिए ना घर में, मतलब हॉस्टल में भी पहनने के लिए, कुछ बाहर पहनने के लिए, तो उसी की शॉपिंग करनी थी, और उसका बर्थडे भी है तो दोनों काम हो जाता, तो वही मैं सोची कि चलो पसंद करवा देती हूँ। और क्या ना, अभी उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझ सकते हैं, 12th के बच्चे अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो घर पे बैठ के खाना वाना फिर पढ़ाई, तो हेल्थ तो पुट ऑन हो गए ना, तो ये कुछ टॉप सेलेक्ट किए हैं, अब देखते हैं पहनेगी, उसके बाद पता चलेगा कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे ये मुझे वाइट वाला अच्छा लगा, तो मैं सोची चलो एक निकालती हूँ, ट्राई करके देख लेगी रूपा, अगर उसको फिट बैठ गया तो ले सकती है। मेन तो वो भी है ना, साइज़ का भी इशू हो जाता है। लगभग 20 ड्रेसेस सेलेक्ट हुए, और जब हम लोग ट्रायल करने पहुँचे तो एक जो आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है, वो पैक किया हुआ था, वो ट्रायल रूम बंद है, तो ये बाहर में ही लगा कर देखी, फिर मैं बोली कि नहीं एक बार पहन के सब ट्रायल कर लो, मे भी कोई आए नहीं आए, बार बार चेंज एक्सचेंज करने का लफड़ा नहीं रहेगा। अभी रूपा ट्रायल ले रही है, और यहाँ पे दो ट्रायल रूम है जिसमें से एक तो खराब है और एक का दरवाज़ा ही नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे पहरेदारी दे रही हूँ, अगर ठीक रहता तो मैं चली जाती हूँ, जीतू के कुछ कपड़े लेने थे वो ले लेती नहीं हुआ। गाइस आपने देखा कि रूपा इतने सारे कपड़े ट्राई की है और उसमें से क्या लेकर आई है, सिर्फ एक पैंट ली है। तो ये रही आज की शॉपिंग, जिसमें है ये रूपा का वो पैरेलल पैंट बोलते हैं ना, वो है। अब आज की जनरेशन ये हम लोग के टाइम पे हम लोग पहन चुके हैं, तो अब फिर से वो क्या ना, फैशन तो रिपीट होता है, तो अब ये वापस से ये फैशन में है। साथ में ये फूड नैपकिन ली हूँ मैं जीतू के लिए, और अभी बारिश का मौसम है ना, तो बच्चों को बरसाती हवा लग जाएगी, और मैं कपड़े तो लाई नहीं हूँ, तो सोची कि दो फुल टी शर्ट और फुल पैंट ले लेती हूँ, तो एक ये वाला ली हूँ और एक ये वाला ली हूँ येलो कलर का, एक ये हाफ पैंट भी ले लिया है, ये वाला टी शर्ट है और ब्लू पैंट है, तो सेम ली हूँ दो पीस, एक आहान के लिए और एक जीतू के लिए। तो गाइस यही रही ख़रीदारी, इतना सारा कपड़ा ट्राई किया रूपा ने, बट उसको सिर्फ एक पैंट पसंद आया और टॉप वगैरह कोई जमा नहीं, तो बस एक पैंट ली और बाकी मैं बच्चों के कपड़े लेके आई। तो खैर कोई नहीं, यहीं पे रखती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ ब्लॉग को, और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और आई हूँ तो फेस वॉश वगैरह किया है, मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ, और बस अब जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय बनाई हूँ, चाय पीने का मन हो रहा था,
और बैक मिरर में देखिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फेशियल के बाद गाइस काफ़ी चेंज आ गया स्किन में, आप खुद देख सकते हैं। अभी से एक महीने पहले तक के वीडियो और अभी के वीडियो में बहुत अंतर आ रहा है। मुझे खुद को फील हो रहा है कि फेशियल कराने के बाद काफ़ी चेंज आया है। और मैं ओजोन का कराती हूँ क्योंकि वो मुझे सूट करता है और बहुत ही अच्छा फेशियल है। तुरंत मतलब माशाल्लाह एकदम अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो कमेंट कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय गाइज़।